हरिओम आदेश आदेश मैं उगड़ कालूराम सुल्तानपुरा भीलवाड़ा राजस्थान सर्वप्रथम मैं मेरे सभी माताओं बहनों भाइयों गुरु गुरु भाइयों को मेरी तरफ से बारंबार प्रणाम स्वीकार करो बहुत नज़दीक गुरु पूर्णिमा आ रही है तो सभी भगत गुरु महाराज की शरण में अवश्य जाएं आज मैं आपको गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर एक जो भगत कभी गुरु पूजन नहीं किया है या गुरु पूजन के बारे में उसको पता नहीं है कि कैसे गुरु पूजन करते हैं और कैसे गुरु दीक्षा ली जाती है तो उसके बारे में आज आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा गुरु पूर्णिमा नज़दीक है इसलिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ बाकी मैं नहीं डालता तेईस जुलाई को गुरु पूर्णिमा है यानी अगले शुक्रवार को एक शुक्रवार तो आज हो गया और एक शुक्रवार आगे आने वाले शुक्रवार सात दिन और रहा गुरु पूर्णिमा का तो गुरु पूजन कैसे करते हैं उसके बारे में आज आपको बताऊंगा वो आप ध्यान से सुने सर्वप्रथम पहले तो अपने मन में पूरा सोच विचार करके और मन में तसल्ली हो जाए तब ही आप उस गुरु को या भगत को गुरु महाराज बनाओ ऊपर संचाल गुरु महाराज बनाओ अपने मन में पूर्ण आस्था विश्वास होने के बाद ही आप उस व्यक्ति को गुरु बनाओ और कभी भी किसी लोभ लालच में आकर गुरु महाराज कभी नहीं बनाए और गुरु जी का आशीर्वाद कभी ना लें आप अपने मन में सोच विचार करके अगर किसी को गुरु बनाते हो तो उसके बाद में कभी भी उस गुरु के ख़िलाफ़ निंदा नहीं करनी चाहिए उस गुरु जी का कभी चुगली नहीं करना चाहिए क्योंकि या तो अपने मन में सोचो कि इसको हम गुरु नहीं बनाना चाहते हैं तो मत बनाओ या कभी ज़िंदगी में गुरु मत बनाओ लेकिन गुरु बनाने के बाद कभी भी गुरु जी की निंदा और चुगली नहीं करनी चाहिए अगर वो गुरु जी से आशीर्वाद आपने ले लिया है अगर आपको वो पसंद नहीं है या वो मार्गदर्शन नहीं कर रहा है तो आप दूसरा गुरु बना सकते हो लेकिन किसी गुरु के बारे में कभी निंदा नहीं करनी चाहिए ये महापाप होता है अब मैं आपको आगे बताता हूँ गुरु पूजन कैसे किया जाता है गुरु पूजन हमेशा गुरु महाराज के चरणों में होता है कभी माथे पर तिलक गुरु पूजन के समय गुरु जी के माथे पर तिलक नहीं करना चाहिए गुरु महाराज के दोनों पांव होते हैं दोनों पाँवों के चरणों में गुरु महाराज के भेंट करके और कुमकुम -कुम का दोनों पैरों के अंगूठे पर तिलक लगाइए तिलक लगाने के बाद जो गुरु महाराज जिस पंथ का है जो जैसा कपड़ा पहनता है उसी के रूप में उसी के नाप के कपड़े जैसे जिस नाप के कपड़े आते हैं सवा पाँच मीटर सवा तीन मीटर वो कपड़े थोड़े से फूल एक कुमकुम -कुम का डिब्बी जो गुरु महाराज जिस भक्ति लाइन में है तो उस भक्ति लाइन में क्या क्या पूजा चढ़ता है उसके बारे में आप पहले उससे पूछ सकते हो वो पूजा किसके भगत हैं उसके जो उसको पूजा चढ़ता है वो पूजा गुरुजी के लिए जो भी आपके श्रद्धा अनुसार कपड़े लेते हो फल फूल कुमकुम -कुम का डिब्बी और आप जो आपकी इच्छा हो वो आप चढ़ा सकते हो मेन तो पांच चीज़ें गुरु पूजन के लिए चाहिए प्रथम नंबर कुमकुम कुम का डिब्बी दूसरा गुरुजी के नाप के कपड़े तीसरा फल चौथा फूल और पांचवा जो मिठाई यानी अपना गुरुदेव किसका भगत है तो उसके जो भी चीज़ चढ़ता है वो चीज़ आप ला सकते हो तो ऐसे हमेशा गुरु पूजन अगर आपने कभी नहीं किया है तो गुरु महाराज के चरणों में बैठ करके अंगूठे के दोनों पैरों के दोनों अंगूठे पर कुमकुम -कुम का तिलक लगाइए थोड़ा थोड़ा फूल चढ़ाइए जो आप दान करना चाहते हो वो सारी चीज़ें गुरु महाराज के चरणों में ही अर्पित करें माथे पर कभी गुरु महाराज के तिलक न लगाएं और एक विशेष तौर पे ध्यान से आप जो गुरु महाराज कहीं से भी बनाओ ऐसा नहीं है कि के समझ में आ जाए उसी को गुरु बनाओ लेकिन आप कभी किसी लोभ लालच में आकर के हम गुरु महाराज बनाकर तंत्र सिद्धि करेंगे मंत्र सिद्धि करेंगे भूत प्रेत डाक साकड़ सिद्धियां करेंगे हम ऐसा बन जाएंगे ऐसा बन जाएंगे यह असंभव है अगर जिसको भी आप गुरु बनाते हो तो वो गुरु के अनुसार ही मार्गदर्शन करता है आपके कहने से वो कभी भी ना ही तो साधना देता है और ना ही आपका कोई मार्गदर्शन करता है जब चाहे गुरुजी आपको जो मार्गदर्शन कराते हैं उस मार्गदर्शन में आपको चलना पड़ता है अगर आप बीच में रास्ता भटक गए तो फिर भटकते ही रहो आपका कोई भी कल्याण नहीं होगा अभी तेईस जुलाई को गुरु पूर्णिमा है तो सभी भगत अपने अपने गुरु महाराज की शरण में अवश्य जाएं उनका आशीर्वाद ग्रहण करें जो मैंने गुरु पूजन के बारे में बताया वो अवश्य आप ध्यान रखें इसी तरह से गुरु पूजन करें ताकि आपको हमेशा सफलता मिले और गुरु पूर्णिमा पर बनाया हुआ गुरुदेव बहुत अपरम्पार सफलता देता है तो जय बेरुनाथ खुश रहो हमेशा हमेशा पीछे सर